हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, आपको शायद पता है आज से कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो पोस्ट किया था। उस वीडियो में आप लोगों को साथ बोला था मैं जो आधार सेवा केंद्र लेने के लिए दोस्तों आपको ई लर्निंग का जो सर्टिफिकेट होता है, एग्जाम होता है, आपको पास करना है तभी दोस्तों आप आधार सेवा केंद्र ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों उस वीडियो में आप लोगों को मैं ये बोला था अगर आप लोग ई लर्निंग का एग्जाम दे देता है तो आपको दोस्तों आधार सेवा केंद्र लेने के बाद आपको जो सर्टिफिकेट मांगता है वो सर्टिफिकेट आपको दिखाने के बाद ही आपका कंपनी जो होता है UIDA का जो गवर्नमेंट होता है वो आपको पता कर लेगा कि ये बंदा काम करने वाला है। लेकिन दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप ई लर्निंग सर्टिफिकेट बना लिया है, एग्जाम टेस्ट पास हो चुका है, लेकिन आपको अभी तक आधार सेवा केंद्र क्यों नहीं मिल रहा है, अभी आप इसके बारे में पूरा इस वीडियो के माध्यम से जानकारी ले लो, तब दोस्तों आधार सेवा केंद्र लेने के लिए आप दूसरा वीडियो में जाने का सोचना। तो दोस्तों मेरा नाम यशोक, आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल आपको स्वागत है। और दोस्तों आपको अगर इंटरेस्टिंग है जो आप आर्टिकल पढ़ना चाहता है, वेबसाइट विजिट करना चाहता है हमारा, तो हमारा दोस्तों वेबसाइट का नाम है digitalashokstore.com। उस ऑफिशियल वेबसाइट में जाके दोस्तों और भी ज़्यादा जानकारी आप ले सकती है। फाइनली दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप आधार सेवा केंद्र 2022 में लेना चाहता है तो आपको क्या ई लर्निंग एग्जाम देने के बाद ही मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसके नाम से बहुत सारा फ्रॉड भी मार्केट में हो रहा है, क्योंकि ई लर्निंग जो पास करने का जो सिस्टम होता है, अगर कोई व्यक्ति आपका पास कर देगा तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन ये जो सर्टिफिकेट है ये क्या रियल मिलेगा आधार सेवा केंद्रों के, नहीं मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो के माध्यम से हम इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी होता देंगे। तो दोस्तों ये जो वीडियो हो रहा है ना, ये वीडियो में हम आपको जो बंदा ऐसा फ्रॉड करने के लिए मार्केट में आया है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये वीडियो जब मैं पब्लिश करूँगा तो ऐसा दोस्तों बहुत सारा व्यक्ति कमेंट करेगा जो भाई मेरा पास भी ले लो, मेरा पास भी ले लो, मेरा पास भी ले लो, क्योंकि आधार एग्जाम जो ई लर्निंग का जो एग्जाम प्रोसेस होता है दोस्तों वो आपको ऑनलाइन में करना पड़ता है। लेकिन ऐसा भी व्यक्ति होता है जो उसको थोड़ा इंग्लिश ज्ञान नहीं होता है और क्या करेगा भाई, दूसरा यूट्यूब में जाके देखेगा जो वो कैसे पास हो गया, ये लर्निंग का जो एग्ज़ाम होता है कैसे पास हुआ है, तो उसका सारा वो डायरेक्ट कांटेक्ट करने के लिए जाएगा। तो भाई मेरे को भी पास करके दो, तो आप कमेंट करेगा उस टाइम, आपको क्या करेगा कमेंट कर लेता है यूट्यूब का कमेंट बॉक्स में। लेकिन वहाँ पे बहुत सारा ऐसा फ्रॉड बंदा हो जाता है और आपका साथ कॉन्टैक्ट करके वहाँ पर चुप के आपको क्या बोलेगा, भाई मैं आपको एग्ज़ाम दे दूँगा लेकिन आपको इसके बदले आपको पैसा देना है। तो दोस्तों ऐसा चक्कर में आप लोग नहीं गिरो, क्योंकि ई लर्निंग जो एग्ज़ाम होता है आपको इसी ये देने के लिए भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आधार एग्जाम जो होता है दोस्तों, आधार UIDA का जो सर्टिफिकेट होता है, ये जो ई लर्निंग का जो सर्टिफिकेट है ना, ये नॉर्मल है। इसमें क्या होता है, आप सिर्फ वीडियो वॉच करो, आपका ऐसा कम से कम 20 से 24 सवाल आएगा, उस सवाल का जवाब देना है और आपको ई लर्निंग टेस्टिंग जो होता है दोस्तों पास हो जाएगा। लेकिन बहुत सारा भाई लोग मेरे को कमेंट कर रहे हैं, भाई ई लर्निंग में एग्जाम दे दिया हूँ लेकिन मेरे को अभी तक आधार सेवा केंद्र क्यों नहीं मिल रहा है, कैसे मिलेगा। तो ये जो वीडियो हो रहा है इसके लिए हो रहा है, ठीक है। बहुत सारा भाई लोग ऐसा सोच रहा है यार, बहुत सारा भाई लोग क्या हो रहा है, पैसा इधर उधर भेज रहा है और चुपके पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन अभी तक उसको आधार सेवा केंद्र भी नहीं मिला है और उसके पास ऑलरेडी सब कुछ बोलो तो है। ऐसा नहीं है दोस्तों आप मुँह से बोलेगा जो मेरे को आधार सेवा केंद्र चाहिए यार आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप सभी कम पैसा से नहीं होता है, कुछ कुछ दोस्तों आपका सिस्टम होता है, दिमाग में होता है, क्योंकि ऐसा भी बहुत सारा व्यक्ति है जो आपके पास पैसा ले जाकर 20 से 30 हज़ार, लेकिन आपका काम ही नहीं होगा, ठीक है। UIDA ऐसा नहीं है जो आप पैसा देगा तब भी हम आपको दे देंगे काम, ऐसा नहीं है, ठीक है। जिस जगह में जरूरत होता है उसी जगह में मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है जो आपका घर में मिल गया है दूसरा घर में मिल गया, ऐसा नहीं है। और अभी दोस्तों बहुत सारा भाई लोग ई लर्निंग के नाम से बहुत सारा फ्रेंड बहुत सब्सक्राइबर मेरा लॉस हो चुका है, पैसा फ्रॉड हो गया है, क्योंकि ई लर्निंग का जो एग्ज़ाम होता है वो खुद से भी दे सकती है, लेकिन वो क्या है 10 हज़ार 5 हज़ार दे के एग्ज़ाम टेस्ट पास कर लिया है। लेकिन उसमें क्या हुआ है, बहुत सारा भाई लोग मेरे को कमेंट करके कॉल करके बोला था जो भाई मैं एग्ज़ाम टेस्ट मेरा मैं खुद कर पाया था लेकिन मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है, उसीलिए मैं दूसरे को करने के दिया था मैं आधार सेवा केंद्र लेने के लिए, लेकिन अभी मेरा आधार सेवा जो ई लर्निंग का जो सर्टिफिकेट है वो एग्ज़ाम दे दिया हूँ, मेरा पास सर्टिफिकेट भी है लेकिन मेरे को अभी आधार सेवा केंद्र कैसे मिलेगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है जो आप बोलेगा आप ई लर्निंग एग्ज़ाम देगा तभी आपको आधार सेवा केंद्र मिल जाएगा, आधार ऑपरेटर आपको सर्टिफिकेट आपके पास है तभी आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये बोलने के लिए आया हूँ जो आपको अभी भी सतर्क रहना है 2022 में भी, क्योंकि आपका साथ ऐसा बहुत फ्रॉड हो सकती है, ठीक है ना। आपको ऐसा बोल के आपका साथ फ्रॉड हो सकती है, लेकिन अभी भी मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे अगर आप लोग आधार सेवा केंद्र लेने के लिए अभी भी आपका मन में है तो आपको CSC कॉमन सर्विस सेंटर का साथ जोगाजोग करो। CSC कॉमन सर्विस सेंटर पहले आपको CSC रजिस्ट्रेशन करो, रजिस्ट्रेशन करने का जो प्रोसेस है फ्री है, लेकिन आपको वहाँ पे TE एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मिनिमम आपको वहाँ पे खर्चा होगा 1500 से लेकर 2000 रुपये आपका खर्चा होगा और आपको मिनिमम 7 से 10 दिन में आपको ID पासवर्ड मिल जाएगा
वहां से आप बैंक मित्र रजिस्ट्रेशन करो। आपका पास अगर बीसी आईडी है तब दोस्तों आपको आधार सेवा केंद्र मिलेगा। ई लर्निंग आधार यू आई डी एक ऑपरेटर आई डी होगा सभी नहीं होता, ठीक है, होगा भी तभी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इसीलिए नहीं होगा आपका पास बीसी पॉइंट नहीं है तो जो यू आई डी आई है दोस्तों किसको किस भरोसा में आपको देगा, ठीक है ना। तो आपको अगर यू आई डी आई का तरफ से आधार सेवा केंद्र लेना है तो आप 2022 में इतना फ्रॉड होने से बचो, क्योंकि ऐसा मार्केट में बहुत हो रहा है। मेरे को कॉल करके बोल रहे हैं भाई ऐसा होगा या ऐसा होगा या, लेकिन मेरा अभी तक काम ही नहीं हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है तो दोस्त, ठीक है। बीसी पॉइंट होता है जिसका नाम से बीसी होगा सिर्फ वही ले सकती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है जो आपका घर में है दूसरे के घर में भी ऐसा है, बोलो एक घर मेरा है उसका बाजू में एक घर है उसी में भी आधार सेवा केंद्र मिला, ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति को मिलेगा, लोकेशन ट्रैक होने के बाद ही मिलता है। आपका पैसा अगर मान के चलो चला गया है तो आपको सोच लो जो आपका इन्वेस्ट जो किया है वो बेकार हो गया, ठीक है ना। मेरा बोलने का मतलब यही है, अगर आप लेना चाहता है 2022 में बीसी पॉइंट और आधार सेवा केंद्र तो आपको सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर का साथ कॉन्टेक्ट करो, वहाँ से आप ऑनलाइन में सीएससी रजिस्ट्रेशन करो, वहाँ से आप बीसी के लिए अप्लाई करो, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के साथ कॉन्टेक्ट करो, तब आपका बीसी बोलता आधार सेवा केंद्र मिल जाएगा। नहीं तो दोस्तों ऐसा ऑनलाइन में आपको जितना भी पैसा इन्वेस्टमेंट करो आपको नहीं मिलने वाला है। और भी ज़्यादा जानकारी लेने के लिए दोस्तों हमारा आर्टिकल आप पढ़ सकती है digitalasokistore.com, वहाँ पर जाके भी आप इंग्लिश में और हिंदी में पढ़ सकती है। और आप लोग बहुत सारा भाई लोग बांग्ला है तो बंगाली में भी हम देखे रखा है maldanews.in, आप ऑफिशियल साइट है दोस्तों maldanews.in, वहाँ पर जाके भी आप जानकारी ले सकती है। तो चलिए आज का वीडियो इतना है, फिर मिलेंगे कुछ नया प्रोसेस लेके। मेरा नाम अशोक और आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं चलिए आज का वीडियो इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।